वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो वेज फूडी लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम आए एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में जो कि है भाईंदर में। और यार अरे और इसका जो एम्बियंस है वो सच में काफ़ी अच्छा है। तो आप अंदर जाके हमें आपको लिखा दी ओके, ये वाला सीन आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी चलो अंदर इनका हो जाने का। का भरला सगळं ये मेरा है, चॉइस मेरी है सब ड्रिंक्स के। ये मेरा है, ये कात्या का है, पेरू चन है, गुआवा हाँ फोकस इतना होता है ना हाँ दाला। ये मेरा है, ये शर्वील का है कॉटन कैंडी और मम्मी का बन रहा है अभी। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा शोर है, पर ठीक है। मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना शोर है। देखो पहले एक बैच गई, अभी सेकंड बैच है, उनकी बहुत ज़्यादा शोर मचा कर रखा है। मुझे पता भी नहीं आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है नहीं। देखो कितना मतलब फाइन डाइन है, रेस्टोरेंट है और ये ऐसा मतलब क्या ही बोले। अच्छा लग रहा है ना ये बेड का चेयर। हाँ ये बेड का की पिल्ली कीवी है। हमने कंप्लेंट किया उनको, थोड़ा आवाज कम करो, लेकिन फिर भी देखो कितना शोर है। पहली बार आए थे सच में यार, क्या है मतलब पूरा आवाज आवाज। ऊपर से बच्चे लेके आए, उनका शोर, बच्चे तो छोड़ो बड़े लोगों का भी शोर, बिल्कुल मैनर्स नहीं है। न्यूली ओपन हुआ है एक्चुअली, अभी उसका फूड मुझे पता नहीं है, लेकिन आउटलेट है अच्छा, काफ़ी सुंदर है। बट अभी ये भी है इनका, देखते हैं। चलो एनी वे हम चलो, हमारे मॉकटेस्ट तो आ गए। खड़ा सके कीवी ओके। अभी अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके मैं टेस्ट कर रही हूँ फूड में नया। इनका प्रेजेंटेशन रहता नहीं है एंड तक, क्योंकि उसका जो दिखा दो हमको कॉटन कैंडी का जो चेरी है वो गिर गया। देख सकते हो प्रेजेंटेशन इनका रहता नहीं है, प्रेजेंटेशन है अच्छा, लेकिन पता है आपको रहता नहीं है। कॉटन कैंडी मैं सजेशन की मत है, पेरू है मस्त है। पेरू मला आवडतं, पेरू मस्त वाटतं। पेरू तुला चांगली वाली दिली ना बाहेर, नॉर्मल है हमेशा पता ही आपको मसाला हटा के रखते हैं। तो ये अभी मेरा वाला है, तो स्टार्टर्स आ गया हमारे, अभी मेरा वाला है टेस्ट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन भी अच्छा अच्छा था, मैंगो वाला अच्छा था। ये कीवी का है, ये कीवी है, ये कीवी है, देखिए ना पेरू वाला कीवी ये पर बचा। मैंगो बेसिकली मिल्क शेक टाइप है, कीवी वाला क्योंकि इसके अंदर आइसक्रीम है, और जो कीवी वाला है वो चटपटा टैंगी फ्लेवर है, तो ये भी बेस्ट है। कीवी वाला भी अच्छा ठीक है। हां तो स्टार्ट करते हैं। इतने 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 फोटो
अभी स्टार्टर्स आ रहे हैं, मैं पहले शूट कर लेती हूँ, रील बना लेती हूँ और फिर आपको हे का है ना चू हे वाला हे जाने का तेरी मशरूम से मैं सजेस्ट कर भी नाम ना उन्होंने सजेस्ट किया वाइल्ड मशरूम। अच्छा वाइल्ड मशरूम, ये रगड़ा पेटी शॉर्ट्स क्या है, कुस्कुस सैलेड। ओके 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 ठीक है, शर्विन ने स्पेशली ऑर्डर किया है, ये मैंने ऑर्डर किया है, मेरे को चाहिए था। अभी प्राइस आ रहे हैं हमारे बस इतने आ रहा है, मतलब है अभी स्टार्टर में इतना ही, लंच मेन कोर्स अभी बाकी। ठीक है ओके ओके, अभी सर्व कर रहे हैं वो लोग। और हमारा रील्स वील्स निकाल के हो गया, खाएंगे खाए पेट भर गया। फाइनली हमें एक खाली प्लेस स्पेस मिल चुका है, देखो कितना अच्छा भूमिका चमक रही है। ओके बस मैं जा रही हूँ, पिज्जा स्टार्टर्स तो खाली, टेस्ट सच में अच्छी है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी हमारा मेन कोर्स आ रहा है तो इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे आ गए क्योंकि पेट भर चुका है थोड़ा। ओके हमारा कुछ आ गया है तो मैं जा रही हूँ, नहीं हमारा हाँ हमारे बाय गाइस, आप व्लॉग बाद में देखना। हमारा पिज्ज़ा आ चुका है, कौन सा पिज्ज़ा है, बारबेक्यू पनीर समथिंग पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा की क्वांटिटी कम है तो इतने पीसेस नहीं है, तो वो ध्यान में रखना। बाकी की अभी तक तो क्वांटिटी अच्छी थी, स्टार्टर्स की अच्छी थी, पिज्ज़ा की थोड़ी छोटा छोटा तो मैं टेस्ट कर। और ऊपर से बेस बहुत ही पतला है, वो अच्छी बात है, बट कैसे खाएंगे इसको, पिज्ज़ा पिज्ज़ा की तरह नहीं खा सकते, चपाती की तरह फोल्ड करना पड़ेगा। ओके फोल्ड किया, अभी कात्या को पूछते हैं कैसा लगा उसको खाना। चलो कात्या सांग कसा वाटलं खाणं, चांगलं वाटलं, टेस्ट चांगली आहे, टेस्ट तर मला आवडली, क्वांटिटी पण चांगली आहे, क्वांटिटी आणि क्वालिटी मस्त, फूडची क्वालिटी आणि क्वांटिटी चांगली आहे, आई मस्त आहे, सुंदर आहे। चलो तुला बोलायचं आहे, चांगलं आहे, तेरा कॉटन कँडी कसा होता, रिकमेंड करेगी, रिकमेंड नको ना, थोडा
कड़वा था। हाँ कॉटन कैंडी कड़वा, बाकी तो बाकी ड्रिंक्स अच्छे थे। वो भी ऑर्डर कैंडी भी थी पर भी सांगते ना, मुझे लगा तुम क्रेडिट मेरी ना ही भी नॉर्मल जनरली बोलते हैं कि फूड कसो नहीं अच्छा है, क्वान्टिटी भी अच्छी है। ओके कुछ तो आ गया, किससे डला जाए किससे डला एकदम गरम तो या अभी फिर से वही फोटो निकालना है, रील बनानी होती है, टेस्ट करके बनाना। अभी लोटस चांगले
नहीं थी में आने बहुत जल्द रुक जा। हाँ ओके क्या क्या खाना बना रही हूँ। अच्छा शर्मी खाना बन रही है। शर्मी दिखा दे खोल के क्या है। दिखा दे खोल के इतना क्यूट है। हाँ ना डिशर में डीप रखो ना। ओ वाओ इतना क्यूट है ना। इनका प्रेजेंटेशन सच में अच्छा है। पान का कुछ है मम्मी ने टेस्ट। पान का है लेकिन इतना इतना मस्त है ना वो छोटे से कुकर में अच्छा लग रहा है। ओके गाइस हमारा हो चुका। चलो आ सके नहीं शर्वीर चला। चलो हो गया हमारा। हम निकल रहे और अच्छा था फूड। और मेरे अभी भी वीडियो देखो पीछे। और या वो दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। और डेजर्ट भी अच्छा था। और ये प्लेस भाइंदर स्टेशन से 10-15 मिनट पे है रिक्शा से। ये थोड़ा दूर है लेकिन अच्छी है तो यहाँ विजिट करना हो सके तो। और फिर कमेंट करना अगर किसी ने विजिट किया तो कमेंट करना कैसा था और ये पता नहीं। ठीक है चलो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि बज चुके हैं 10 से ज़्यादा हो चुके हैं और हमें भागना है। और यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है तो देखते हैं कैसे जाएंगे वैसे। तो यहाँ चलो बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर। इकड़े